डीएचए फेज 5 सेक्टर जे और के की फ्रेश इन्वेंट्री अवेलेबल है। सेक्टर के में कनाल और सेक्टर जे में 10 मरला के प्लॉट अवेलेबल हैं और दोनों सेक्टर्स में इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन मौजूद है। वेलकम टू नोट प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए फेज 5 का जो ओवरसी सेक्टर के है जिसमें कनाल के प्लॉट मौजूद हैं और दो कनाल के प्लॉट भी मौजूद हैं, मुझे वो सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। यू कैन से दैट डीएचए हैज़ पुट इट्स हार्ट एंड सोल इन दैट सेक्टर। इतनी उसकी एक्सेप्शनल डेवलपमेंट हुई है। एक तो टेरेन वैसे ही उसका बड़ा खूबसूरत है और उसके अलावा डीएचए ने रिकॉर्ड 16 मंथ्स में उसकी डिलीवरी की हुई है। मैं जब भी शुरू से जब से हम इसको कवर कर रहे हैं सेक्टर के को, जब ये डेवलपमेंट इसकी चल भी रही थी, जब इसका ब्रिज भी बन रहा था अराउंड सेम टाइम लास्ट ईयर जब हम जाते थे वहाँ पे, तो ब्रिज बन रहा था। फिर डीएचए ने तकरीबन 4-5 माह में वो ब्रिज कंप्लीट किया और उसके 2-3 माह बाद सेक्टर के की पोजीशन अनाउंस कर दी अर्ली दिस ईयर। अभी आप डीएचए फेज 5 में भी आए तो जब आप इस गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं तो बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड सेक्टर के का ही लगा हुआ है। इट वॉज सच अ बिग डील। अमूमन सेक्टर्स की पोजीशन होती है तो कोई सेरेमनी नहीं होती एज सच, लेकिन सेक्टर के की जब पोजीशन दी डीएचए ने तो डीएचए मेड श्योर दैट इट मेड अ पॉइंट अबाउट गिविंग पोजेशन इन दैट सेक्टर, क्योंकि एक्सेप्शनल डेवलपमेंट, फास्ट डिलीवरी और सिंगुलर एंट्रेंस है उसकी। मूमन ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर्स की मल्टीपल एंट्री भी होती है, बट द फैक्ट दैट इट हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट मेक्स इट वेरी एक्सेप्शनल। प्लॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो अवेलेबल हैं, वो थी सेक्टर के की भी और जे की भी। दोनों जो सेक्टर्स हैं उनकी इन्वेंट्री के से रिलेटेड, अगर किसी ने जे का देखना है 10 मरले का तो चैप्टर एक ऐड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन जंप टू योर कंसर्न सेक्टर एज वेल। सेक्टर के से शुरू करते हैं, 1 कनाल के प्लॉट हैं। बैकग्राउंड आपको बताता हूँ थोड़ा, 1.5 साल पहले डीएचए ने लॉन्च किए थे बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। सेक्टर जे और के भी वाहिद सेक्टर हैं डीएचए के रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिनके साथ ओवरसीज का नाम लगा हुआ है, ठीक है। डीएचए वाज नेवर इन अ हैबिट ऑफ लॉन्चिंग ओवरसीज सेक्टर्स, बट दे डिड इट इन फेज 5 सेक्टर जे और के। और आपको ये भी पता चलूँ कि ओरिजिनल डीएचए का जो फेज 5 का मास्टर प्लान था उसका हिस्सा नहीं थे, दे वर मेड पार्ट ऑफ द प्लान लेटर ऑन 1.5 साल पहले जब इनकी लॉन्चिंग भी हुई। सेक्टर के पे रहते हैं, सो दो ऑप्शंस डीएचए ने प्रोवाइड किए। एक ऑप्शन ये था कि आप लमसम पे परचेज कर लें, फुल कैश देखें, और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इंस्टॉलमेंट प्लान के अंडर इसकी बुकिंग कराएं, जो 2 साल इंस्टॉलमेंट प्लान थी और 3 साल इंस्टॉलमेंट प्लान थी। वो प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक चल रहे हैं उनमें प्रॉफिट चल रहा होता है, ओन चल रहा होता है, और वो प्लॉट जिन्होंने फुल कैश पेमेंट की हुई थी, जिनका बैलेटिंग में नाम आया या जो अलॉटी हैं इसके, उन वो जो प्लॉट सेल कर रहे होते हैं तो वो लमसम प्राइस पे आ रहे होते हैं। दोनों किस्म के ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट का आपको ही फ़ायदा भी हो सकता है और लमसम वाले भी मौजूद हैं। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद रोड 1। रोड 1 का हमारे पास एक प्लॉट अवेलेबल है, कॉर्नर प्लॉट है वो, ठीक है। उसमें 6 से 8 मरला एक्स्ट्रा लैंड भी है, लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि रोड 1 के सामने पार्क है और उसके अक्रॉस कमर्शियल है। तो अमूमन लोग जब कोई भी सेक्टर हो, फेज़ हो, तो दे आर सर्टन पीपल जो अवॉइड करते हैं कि कमर्शियल फेसिंग हमें प्लॉट नहीं चाहिए। हालांकि प्लॉट सन फेसिंग है, कॉर्नर भी है, बट मेरा पर्सनल ये ओपिनियन ये है और DHA2 को देख के मेरा ये ओपिनियन है कि जब जगह खाली होती है ना तो लोग उसको फ़र्क तरह देखते हैं। वंस दैट एरिया बिकम्स पॉपुलेटेड तो जो प्लॉट हम कॉम्प्रोमाइज़ समझते हैं ना इनिशियली, वो भी फिर अच्छा स्टेटस हो जाता है उनका। सो ये प्लॉट का मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि कमर्शियल फेसिंग है, कॉर्नर प्लॉट है, 165 इसके प्रॉफिट की आस्किंग है। उसके अलावा इसी जो रोड का हमारे पास जनरल प्लॉट भी अवेलेबल है, वो प्रॉफिट मॉडल के अंडर नहीं है लेकिन उसका फ्रंट ओपन है। ये भी लोग मन पसंद करते हैं कि जो हमारा प्लॉट हो जिस पे हम बाद में घर बनाए वो एक ऐसी जगह हो कि हमारे घर के सामने प्लॉट ना हो, ओपन एरिया हो, ठीक है। मतलब अमूमन कोई स्ट्रीट निकल रही है, एवेन्यू निकल रहा है, अमूमन स्ट्रीट वगैरह निकल रही होती है, तो इसका जो है फ्रंट ओपन है, फ्रंट पे कोई घर नहीं बनेगा जब आप इस प्लॉट को परचेज करके अपना घर बनाएंगे। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 2.90 करोड़ की इसकी आस्किंग प्राइस है। थोड़ा आगे चलते हैं, ज़रा हाइटेड एरिया में आते हैं, क्योंकि सेक्टर के जो है वो ग्रेजुअली जब आप उसे एंटर होते हैं ब्रिज से
और एंड सेक्टर के को क्रॉस करना शुरू करते हैं तो जो हाइट है उसकी इट गेट्स हायर एंड हायर। तो स्ट्रीट फोर का प्लॉट है जी नेक्स्ट, जो रोड वन से हाइटेड एरिया है उसका एक प्लॉट अवेलेबल है हमारे पास जो साउथ फेसा यानी कि सन फेसिंग है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सन फेसिंग और नॉन सन फेसिंग का एलिमेंट है। जैसे आप कराची में देखें तो ईस्ट वेस्ट का एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज ये टेक इन टू अकाउंट द ब्रीज दैट इज़ कमिंग इन। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में नॉर्थ साउथ का फैक्टर है जिसमें साउथ फेसिंग जो अगर आप कभी सुने भी वो सन फेसिंग प्लॉट होते हैं। स्ट्रीट फोर का प्लॉट है जी, ऑल ड्यूज क्लियर है, कोई इसमें इंस्टॉलमेंट के प्लान के अंडर नहीं है। 3 करोड़ इसकी आस्किंग है। इसके बिल्कुल साथ आप कह लें कि वॉकिंग डिस्टेंस पर रिवर एरिया भी है जहाँ पे आप रिवर व्यू रोड जो लिंग रिवर है क्योंकि रिवर व्यू रोड के अक्रॉस है सेक्टर के, और जो ब्रिज जाहिर है रिवर पे बना हुआ है और यही उसकी सिंगुलर एंट्रेंस है विच मेक्स इट एक्सक्लूसिव एज वेल। एंड डोंट थिंक कि रिवर है वहाँ पे तो पता नहीं फील्ड एरिया ना हो, सारा सॉलिड कटिंग एरिया है जो DHA फेस 5 सेक्टर केयर के इर्गिर्द रिवर जो है वो क्रॉस कर रहा है, वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन कोई थी, इट वॉज ब्रॉट टूवर्ड सेक्टर के, ठीक है। तो कोई इसमें फिलिंग का सीन नहीं है, यू कैन बी श्योर ऑफ दैट। फिर हमारे पास स्ट्रीट फोर का एक और प्लॉट है, 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर है, 1.5 करोड़ की प्रॉफिट की आस्किंग है। सन फेसिंग नहीं है, स्ट्रीट फोर का प्लॉट है ये, सॉलिड एरिया है इसका भी, हाइटेड भी है बट आप सन फेसिंग प्लॉट नहीं है, ये इसका आपके लिए ड्रॉबैक है। बट नॉनदलेस हाइटेड है, सॉलिड है और बाद में नॉन सन फेसिंग प्लॉट घर भी बने होते हैं और करोड़ों की आस्किंग होती है उनमें। सो इट्स अ गुड डिसेंट प्लॉट एज वेल। स्ट्रीट फोर के मैंने आपको 2 प्लॉट बताए, रोड वन के भी हमारे 2 प्लॉट थे जो आपके साथ शेयर किए। सो अब बात करते हैं स्ट्रीट नंबर 11 की, हाइटेड एरिया बिल्कुल आप कह लें कि स्ट्रीट फोर से भी हाइटेड एरिया, टॉप एरिया बिल्कुल, 2.9 करोड़ के इस प्लॉट की आस्किंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल टॉप है ये सेक्टर के का, तो इसकी प्राइस 3 करोड़ 10-15 क्यों नहीं है। द रीज़न बीइंग के ये जो प्लॉट है ये 5th एवेन्यू के करीब है और 5th एवेन्यू के अक्रॉस एक टीला है, उस टीले के अक्रॉस रेलवे ट्रैक है। तो उमन लोग कहते हैं कि लोगों कहते हैं जी उस साइड पे नहीं सेक्टर के चाहिए, हालांकि आई हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम्स, आवाज़ आती है नो डाउट बट कोई इतनी डिसरप्टिव आवाज़ नहीं होती वो। तो स्टिल लोग जो हैं वो चीज़ को जाहिर है इसी ने इतने पैसे लगाने हैं और प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं तो लोग सोचते हैं कि वाई गो देयर। 2.9 करोड़ की इसकी आस्किंग है स्ट्रीट 11 के प्लॉट की। इसके बाद हमारे पास स्ट्रीट 15 का पेयर प्लॉट अवेलेबल है, यानी कि 2 कनाल के प्लॉट साथ हैं, 3 करोड़ ईच आस्किंग है, दोनों साउथ फेस प्लॉट हैं और आप कह लें कि सेक्टर के सेंटर में ना ये इतने डाउनवर्ड हैं जैसे रोड वन स्ट्रीट वन, ना ये इतने 5th एवेन्यू के करीब हैं जैसे मैंने आपको स्ट्रीट 11 बताई, 13 हैं ठीक है या 14 हैं, बल्कि ये ज़रा सेंटर में करके आ जाता है और सन फेसिंग भी प्लॉट है। तो ईच प्लॉट की आस्किंग 2 करोड़ है, गुड सॉलिड एरिया, नाइस प्लॉट, कोई इसका ड्रॉबैक है सच नहीं है। सो ये हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है DHA फेज 5 ओवरसीज सेक्टर के की। अब मैं आपको ज़रा DHA फेज 5 ओवरसीज सेक्टर के प्राइस मॉडल के बारे में बता दूं, जो कि मैंने आपको कुछ प्लॉट्स के बारे में बताया जहाँ पे ओन चल रहा है यानी कि प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब आप इसके प्लॉट को परचेज करते हैं, स्ट्रीट 4 वाले प्लॉट की एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे 1.5 करोड़ का ओन है, आस्किंग है, प्रॉफिट है और 3 साल इंस्टॉलमेंट प्लान के अंडर है, ठीक है, पोजेशन भी अवेलेबल है। अब पोजेशन अवेलेबल है इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको परचेज कर लें और उसमें पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हों और आप पोजेशन क्लेम कर सकते हैं, आपको सारी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, ऑल ड्यूज क्लियर करना पड़ेगा। पोजेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे 30-35 हज़ार उसका लगता है और आपको पोजेशन मिल जाता है, पोजेशन फी है। सो आप इस प्लॉट को परचेज करना चाहते हैं, आपने क्या क्या पे करना होगा? सबसे पहले तो आपने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 6 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जो अलॉटी ने या जिसने परचेज किया हुआ प्लॉट जिसका बैलेटिंग में नाम है उन्होंने 6 इंस्टॉलमेंट्स जो पे की हुई हैं अप टू डेट एज पर द स्केड्यूल एज ऑफ नाउ, ठीक है, वो आपने उनको देनी है। ईच इंस्टॉलमेंट इज 9,90,000 फॉर ओवरसीज सेक्टर के कनाल प्लॉट, प्लस उन्होंने 32,50,000 की इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है, डाउन पेमेंट भी दी हुई है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो आपने 1.5 करोड़ प्लस 32,50,000 डाउन पेमेंट प्लस 6 इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने पे किए हैं 6 × 9,90,000, ये तीनों हेड्स आपने पे करने हैं, फिर आपको ये प्लॉट आप अपने नाम करवा सकते हैं। बाद में आपने ट्रांसफ़र फ़ी भी पे करनी है इन प्लॉट्स की, जो एज ऑफ नाउ 2 लाख है एडवांस टैक्स और 160-170 के अराउंड जो है
वो हमारे पास ट्रांसफ़र फ़ी आती है DHA की, और तक 10,000 प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन में लग जाता है। तो ये तीनों खर्चा आपने करके फिर आप प्लॉट को अपने नाम कराते हैं, और बाकी जो 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, यू टेक इट ऑन फ्रॉम देयर, आप उसको पे करते हैं। ठीक है, 2 साल इंस्टॉलमेंट प्लान होगा तो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी, 3 साल होगा तो इंस्टॉलमेंट कम होगी। इसी तरह अगर जे में भी देखें तो जे में भी हमें यही प्राइस मॉडल नज़र आता है, जो वहाँ पर भी प्रॉफिट चल रहा है, ओन चल रहा है, लेकिन कुछ प्लॉट्स पे नहीं है, वो ऑल ड्यूज क्लियर। सो ऑन दैट नॉट लेट स्विच टू सेक्टर जे। प्राइस मॉडल के का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज़ ट्रू फॉर जे एज वेल, जिसमें हमारे पास जितने भी प्लॉट अवेलेबल हैं वो सारे इंस्टॉलमेंट प्लान के अंडर हैं, वो भी 3 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के अंडर हैं। अभी तक ये सेक्टर पोजेशन में नहीं आया हुआ, DHA ने इसकी डिलीवरी नहीं दी हुई। ठीक है, दोनों सेक्टर लगभग साथ ही शुरू हुए डेवलपमेंट का। के जो है वो फेस DHA ने 16 मंथ्स के रिकॉर्ड टाइम में डिलीवर कर दिया, बट जे जो है वो अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया। और मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट अवे बता देता हूँ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट, कि जे के पीछे लिटिगेशन है। जे का एक पैच जो है आपको स्क्रीन पर ड्रोन शॉट भी नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। जैसे स्ट्रीट 1 है उसकी फर्स्ट एवेन्यू है, आगे तक क्लियर है। स्ट्रीट 2 का एक 70-80% क्लियर है स्ट्रीट, बल्कि 80% मैं कहूँगा कि स्ट्रीट 2 के प्लॉट्स ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। स्ट्रीट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो मोर और लेस फुली अवेलेबल है। अब अवेलेबल नहीं से मेरा मुराद ये है कि वो अभी कटिंग एरिया में नहीं आया हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके सेक्टर जे के पीछे लिटिगेशन है। अब आपने ड्रोन शॉट्स में भी देखा होगा, अगर आपको नज़र आया तो वहाँ पर टीला है, पहले वो क्लियर था, फिर उस पर स्टे हो गया, फिर क्लियर हो गया, DHA ने जाके उसकी डेवलपमेंट कर दी, हमने भी वीडियो बना दी, कटिंग शुरू कर दी, हमने भी वीडियो बना दी कि जी देखिए मशीन पे वो चले गए हैं मशीनें लेके और काट रहे हैं, स्ट्रू वो काट रहे हैं, मल्टीपल मशीनें वहाँ पे लेके गए हुए थे, बट अगेन वहाँ पे स्टे हो गया फिर से। पर एज ऑफ नाउ स्टे है वहाँ पे, और सेक्टर जे में आप जाएँ तो वहाँ पे अभी आप एज सच कोई स्टील पे काम होता हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है, वी आर कमिटेड टू टेलिंग यू द ट्रुथ, वेदर इट्स गुड और बैड, हम कोई सेंसलेसली माइंडलेसली DHA की मार्केटिंग नहीं कर रहे हुए। जो DHA की कुछ करंट सिचुएशन है वो हम आपको एज इट इज़ बताते हैं। 1.5 साल इसकी इंस्टॉलमेंट में रह गया है। ठीक है, एंड जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये होता है कि वंस दैट वन द इंस्टॉलमेंट पीरियड इज़ ओवर, तो जो डेवलपर है वो आपको पोजेशन हैंड ओवर करता है, एंड यू कैन क्लेम पोजेशन एज वेल बिकॉज आपने इंस्टॉलमेंट सारी पे कर दी है। सो इसलिए रफली आप 1.5 नहीं बल्कि 2 साल माइंड में रख लें कि 2 साल में ओवरसी सेक्टर जे जहाँ पे 10 मरला के प्लॉट अवेलेबल हैं उसकी जो पोजेशन हैंड ओवर आपको हो जाएगी, बिकॉज वो जो कंटेंशियस एरिया है जिसमें लिटिगेशन है, तो वो सेक्टर जे का कोई इतना सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा है उसका, आप कह लें कि कपल ऑफ स्ट्रीट्स हैं जो उसमें आ रही होंगी, और कुछ प्लॉट्स हैं जिनको प्रॉपरली कट होने के लिए उस टीले का ख़त्म होना ज़रूरी है, और वंस दैट स्टे इज़ ओवर इट्स गोइंग टू बी मैटर ऑफ मिनट्स, मैटर ऑफ कपल ऑफ वीक्स, DHA उधर ब्लेड फेर देगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब रिसेंट स्टे से पहले जब वो एरियाज क्लियर हुआ था, तो DHA जो है बड़ी स्पीड से वहाँ पे आप कह लें कि 15-20 मशीनरी तो वहाँ पे पहुँची होंगी उस टीले पे, बनाया सॉ इट जब वो उसको काट रही थी। ठीक है, उन्होंने इससे कार्ड भी दिया काफ़ी बिफोर दैट इंसिडेंट हैपन अगेन, और फिर से उस पर स्टे चल रहा है। पानी की टैंकी भी बाय द वे वहाँ पे आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, उन्होंने डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, तो खैर डेवलपमेंट का वर्क चल भी रहा है। अगेन प्राइम सेक्टर, जस्ट लाइक ओवरसी सेक्टर के, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट 10 मरला, DHA फेज 5 ओवरसी सेक्टर जे इज़ अ प्राइम सेक्टर। इस्लामाबाद हाईवे से आप एंटर हो, सिर्फ एक टर्न आपने करना है लेफ्ट, ओवरसी सेक्टर जे के फर्स्ट एवेन्यू पर आप एंटर हो जाएंगे। सेक्टर एफ में भी 10 मरले का प्लॉट है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको राउंड यू टर्न करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई यू टर्न नहीं करना, इट्स लाइक 1 मिनट ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे ऑन DHA एक्सप्रेस वे सेक्टर जे में आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बात बताऊँ, इसके साथ क्लब एरिया भी है, जस्ट लाइक DHA 2 में जैकरैंडा क्लब है, इसके साथ भी क्लब एरिया है, विच इज़ गोइंग टू मेक इट प्राइम एज वेल जब सारी सेटलमेंट हो चुकी होगी, डेवलपमेंट कम्प्लीट हो चुकी होगी और प्लॉट जो है वो हैंड ओवर हो चुके होंगे। अगेन 10 मरला की कैटेगरी में बहुत अट्रैक्टिव है, पॉपुलर भी है, लोग जो हैं इसको परचेज भी करते हैं, और हर वक्त इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है जस्ट लाइक के। ठीक है, क्विकली आपको यहाँ पर बताता चलूँ जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सी 2 का एक प्लॉट अवेलेबल है, शुरू में करके है 95 उसकी प्रॉफिट की आस्किंग है। प्राइस मॉडल जे के रेफरेंस से भी मैं आपको थोड़ा सा एंड में बता दूंगा कि कितना आपने पे करना होगा। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रीट 6 का भी एक प्लॉट अवेलेबल है, सन फेसिंग नहीं है,
स्ट्रीट टू का जो मैंने आपको बताया था, जो शुरू में करके है, आप कह लें कि उस प्लॉट की बैक साइड पे फर्स्ट एवेन्यू है, शुरू में करके है, बड़ी अच्छी लोकेशन पे है वो, लेकिन सन फेसिंग नहीं है वो। स्ट्रीट छः का जो हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है वो भी सन फेसिंग नहीं है, वो भी 95 की प्रॉफिट की आस्किंग में है। उसके अलावा मुनासिब रेट पर एक प्लॉट अवेलेबल है स्ट्रीट टू का, लेकिन वो आगे करके है थोड़ा सा, और प्रॉपरली कट नहीं हुआ हुआ। जो मैं बताया था ना कि वहाँ पर एक टीला है, उस टीले ने भी प्रॉपरली कट क्लियर होने है, फिर वो प्लॉट पूरा निकलेगा भाई। यानी कि हाफ ऑफ द प्लॉट, अगर मैं इनफॉर्मली आपको बताऊं कि हाफ ऑफ द प्लॉट इज अंडर दैट टीला राइट नाउ, तो वो टीला कट होगा तो प्लॉट विल कम आउट इन इट्स एंटायरिटी। 75 प्रॉफिट की इसकी है आस्किंग, समवट जो है उसके ओनर इसको यहीं पर ही देना चाहते हैं 75 पे। सो ये एक मुनासिब ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। सो ये तीन प्लॉट जो हैं वो मैंने आपको बताया वो थी सेक्टर जे के जो अवेलेबल हैं 10 मरला का। पेमेंट प्लान आपको बताता हूँ, प्राइस मॉडल बताता हूँ, जस्ट लाइक सेक्टर के प्रॉफिट आपने पे करना है नंबर वन, और नंबर टू आपने 6 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। ईच इंस्टॉलमेंट इज 5,86,667, ठीक है। ये आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है जो तकरीबन 35,20,000 ₹2 बन जाती है 6 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, एज पर द स्केड्यूल अप टू डेट। 6 इंस्टॉलमेंट्स आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर आप 3 साल का प्लान ले रहे हैं, विच मीन्स के 35,20,000 ₹2 जो है वो आगे आपने देने हैं इंस्टॉलमेंट्स की मांग में, 1.5 साल का टाइम आपके पास बच गया। फिर उन्होंने डाउन पेमेंट जिन्होंने ली है डाउन पेमेंट पे की भी है, विच इज 18,50,000 जस्ट लाइक के, 32,50,000। जे के केस में 18,15,000 की डाउन पेमेंट है। ये तीन हेड्स आपने पे करने हैं, ये तीन हेड्स आप पे करते हैं, आप प्लॉट अपने नाम करवा लेते हैं, रिमेनिंग जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको कैरी ऑन हो जाती हैं, आप उनको पे करते रहेंगे, देन पोजेशन विल बी गिवन टू यू, ठीक है। ट्रांसफ़र का खर्चा बता दूँ, ट्रांसफ़र फ़ी 10 मरला प्लॉट की DHA की 1,02,000 है, और जो इसका वो आप कह लें जो एडवांस टैक्स है वो भी रिसेंटली DHA ने दोबारा इंक्रीज़ कर दिया है। मैं आपको उसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, पहले अभी लास्ट वीक जो था वो जुम्मे को ही उन्होंने ये रिवीजन की। मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो हमें कितनी पड़ेगी जब हम इसकी ट्रांसफ़र कराते हैं। अब वैसे भी फाइलर का 2% हो गया है, 1,00,000 जी आपका खर्चा होगा इसमें एडवांस टैक्स पे, इफ़ यूर फाइलर नहीं है, फाइलर हो जाए प्लॉट लेना है तो 1,00,000 आपने पे करने हैं एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स के 236K विच विल बी फॉर यू इफ़ यूर बाइंग इट, ठीक है। प्लस आपने 10,000 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग देनी है। तो आपके ये तीन हेड्स हैं ट्रांसफ़र के खर्चे में, आप प्लॉट जो है ट्रांसफ़र आए या ना करें, फुल पेमेंट करें, तीनों खर्चे पे करें, प्लॉट आपके नाम हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर ओवरसीज सेक्टर J&K, प्राइम सेक्टर्स, दोनों की हॉट लोकेशन है, टू मच सॉट आफ्टर सेक्टर के भी और जे भी, ठीक है। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर थ्रू आउट शो हो रहा होगा, यू कैन रीच आउट टू मी। सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, थैंक यू वेरी मच।